Welcome to another production of Property Gupshup. This is our second video of the series of DHA inventory, जिसमें हम आपको DHA के जितने phases हैं Rawalpindi इस्लामाबाद में उनके जो plots हमारे पास available होते हैं for sale वो आपके साथ हम share करते हैं. Since हम तकरीबन सारे phases को cover करेंगे इसमें और it's not necessary कि कोई आप में से सारे phases को सुनना चाहता है तो हम इसमें chapters add कर देंगे. तो फॉर एग्जाम्पल कोई फेज़ 5 के प्लॉट्स देखना चाहता है तो ही कैन चेक द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्विच टू हिज रेलेवेंट फेज. तो शुरू करते हैं DHA फेज़ 1 से. उसका एक ही प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है, कॉर्नर प्लॉट है सेक्टर बी का, स्ट्रीट नंबर 20 का. 3,30,00,000 की इसकी आस्किंग है. ये बात आपको बताता चलूँ कि ये फेज़ 1 के जो सेक्टर बी है उसके एंड पे करके, नॉट जस्ट इमीडिएट एंड नहीं है बल्कि एंड से थोड़ा सा पहले है, बट नन द लेस एंड पे है. क्योंकि हम सिर्फ आपको यहाँ पे प्लॉट्स के बारे में ऐसे नहीं बता रहे कि बस ये प्लॉट है ये प्राइस है, हम उनकी लोकेशन पे उनकी अट्रैक्टिवनेस और अनअट्रैक्टिवनेस के बारे में भी कमेंट करेंगे साथ साथ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट DHA फेज़ 2. उसके हमारे पास 3 प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. एक सेक्टर बी में है, गेट नंबर 1 से आप एंटर होते हैं तो सेक्टर ए आपके लेफ्ट साइड पे आता है, उसको आप क्रॉस करते हैं तो सेक्टर बी आता है. लेन 12 का प्लॉट है 4,50,000 की आस्किंग में. एक्सेस के अतबार से बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि जो बुलेवार्ड है जो गेट नंबर 1 से आप एंटर होते हैं और जो बुलेवार्ड शुरू होता है उस बुलेवार्ड से आप कह लें कि हार्डली 10 से 15 सेकेंड की ड्राइव होएगी मैक्सिमम तो आप इस प्लॉट पर पहुँच जाते हैं. फिर हमारे पास सेक्टर सी का प्लॉट है जो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट एपिसोड किया इस इन्वेंट्री का, उसमें भी इस प्लॉट का जिक्र किया. लेन 12 में 4,00,000 की आस्किंग है, कॉर्नर प्लॉट है, बट ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसके सामने स्कूल का एरिया है और स्कूल के एरिया के साथ शॉप का भी एरिया यानी कि कमर्शियल भी मौजूद है. तो अमूमन लोग इसको इतना अट्रैक्टिव नहीं समझते सिंस लोग कहते हैं कि जी हमें ऐसी जगह प्लॉट नहीं लेना जो रशी हो, बट स्टिल हम देखते हैं कि जो एवेन्यूज़ के और बुलेवार्ड्स के प्लॉट हैं बेशक उनका रशी एलिमेंट होता है बट प्राइस में वो ज़्यादा होते हैं. नाउ जो लास्ट इन्वेंट्री हमारे पास DHA फेज़ 2 की अवेलेबल है, कनाल के प्लॉट है जी ये भी, वो लेन नंबर 4 में है सेक्टर एच के. 4,75,00,000 जो है इसकी आस्किंग है, कॉर्नर प्लॉट है और सेक्टर एच के मिडल में करके है. ठीक है, आई मीन जैसे सेक्टर बी वाला मैंने आपको बताया कि वो इमीडिएट था बुलेवार्ड से, ये वाला जो है वो इमीडिएट नहीं है बट सेंटर में करके. तीनों प्लॉट जो हैं वो सॉलिड हैं और तीनों प्लॉट जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई भी प्लॉट सन फेसिंग नहीं है. नाउ DHA फेज़ 3 की बात करते हैं. हमारे पास आर्मी एलोकेशन की 4 प्लॉट्स अवेलेबल हैं. सेक्टर ई में हमारे पास स्ट्रीट 13 का प्लॉट अवेलेबल है, सेकंड टू कॉर्नर है बट राइट नाउ लिटिगेशन एरिया में है एंड नॉन डेवलप भी है. 1,80,00,000 की इसकी आस्किंग है. फिर हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त प्लॉट है स्ट्रीट 6 का, अगेन सेक्टर ई में आर्मी एलोकेशन. एंड ये बात मैं आपको स्ट्रेट अवे पहले बता दूं, ये भी पिछले प्लॉट की तरह लिटिगेशन एरिया में है लेकिन जब प्लॉट कट जाएगा और अवेलेबल होगा आपको टू गो एंड स्टैंड देयर तो प्लॉट बड़ा ज़बरदस्त है. कॉर्नर है नंबर 1, सन फेसिंग है, एक्स्ट्रा लैंड भी मौजूद है और सिंस अभी वहाँ पे टील है तो वो कटिंग एरिया भी होगा, सॉलिड प्लॉट होगा. ठीक है, फीचर्स जो हैं इसके वो बड़े ज़बरदस्त हैं इस बात के बावजूद कि अभी लिटिगेशन एरिया में इसकी 2,15,00,000 की इसकी आस्किंग हो रही है. फिर हमारे पास एक और प्लॉट जो मौजूद है वो सेक्टर एफ में है, स्ट्रीट नंबर 7 का, 1,95,00,000 इसकी आस्किंग है, लिटिगेशन के अंडर है ये प्लॉट. सेक्टर एफ का आपको बताता चलूँ कि हाइटेड सेक्टर है और अभी लिटिगेशन में है, कोई फिलिंग वाला भी इसका सच नहीं है, जो फिलिंग वाले भी प्लॉट्स हैं वहाँ पर बट ये फील्ड प्लॉट्स नहीं है. ठीक है, क्लियर प्लॉट होगा लेकिन जब कटेगा 1,95,00,000 की आस्किंग में. सेक्टर जी में भी रोड 6 का प्लॉट हमारे पास मौजूद है, प्लॉट 1,80,00,000 जो है इसकी आस्किंग है और अभी भी ये भी कटा नहीं हुआ, ये भी लिटिगेशन के एरिया में ही है. तो जो लिटिगेशन से एरिया फ्री होते हैं थोड़ा प्राइस भी अपडेट आपको करता चलूँ, 195 से 220 की ब्रैकेट में होते हैं सब्जेक्ट टू लोकेशन एंड एवरीथिंग. जो लिटिगेशन से क्लियर नहीं होते उनके में बड़े अट्रैक्टिव फीचर्स हैं जैसे सेक्टर स्ट्रीट 6 का मैंने आपको प्लॉट बताया, इको का सेक्टर ई का, उसकी 2,15,00,000 की आस्किंग में. इसके बाद के बावजूद कि वो लिटिगेशन वाला एरिया, द रीज़न बीइंग के वहाँ पे उसके फीचर्स बड़े ज़बरदस्त हैं. फेज़ 4 पे आते हैं. हालिया DHA ने तकरीबन 3-4 माह पहले सेक्टर ABC में पोजेशन अनाउंस की आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डिले. उसमें हमारे पास फर्स्ट एवेन्यू का एक प्लॉट मौजूद है फेज़ 4 सेक्टर ए में, 2,75,00,000 की आस्किंग में, सॉलिड हाइटेड और सन फेसिंग प्लॉट है ये.
सेक्टर ए का जो फर्स्ट एवेन्यू है वो हाइटेड एरिया में, मतलब जब आप प्लॉट परचेज करते हैं और घर बनाते हैं, यू कैन हैव क्वाइट अ व्यू फ्रॉम दैट हाउस एज वेल। फिर सेक्टर ए का एक और प्लॉट मौजूद है गली नंबर 11 का 16 नंबर, हाइटेड प्लॉट है, सन फेसिंग नहीं है ये, 2 करोड़ 40 लाख जो है इसकी आस्किंग है, और थोड़ा आगे करके भी है। स्ट्रीट 12 की खासियत ये है कि एक हाइटेड गली है, टॉप मोस्ट हाइट इसकी जो है फेज 5 की जो सेक्टर सी की गली है वो गली नंबर 12 है, 3 प्लॉट इसके मौजूद है हमारे पास। एक प्लॉट है हमारे पास 295 की आस्किंग में, सन फेसिंग नहीं है ये, और एक प्लॉट जो सन फेसिंग है हमारे पास वो भी जो उसके ओनर हैं वो भी 295 ही उसकी आस्किंग कर रहे हैं, अच्छा प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा। जो सन फेसिंग नहीं है उनको एक एज है, बेशक वो सन फेसिंग नहीं है लेकिन बंदा ये सोचता है कि यार एक सन फेसिंग वाला 295 आस्किंग कर रहा है तो इनको क्या है जो सन फेसिंग नहीं है। जो सन फेसिंग प्लॉट नहीं है गली नंबर 12 की वो रिलेटिवली रिलेटिवली मार्जिनली हाइटेड है सन फेसिंग प्लॉट्स की नस्बत, ठीक है। इसलिए ये है कि जब आप उसका घर में बना होगा तो बैक साइड पे जो बैरिया एक्सप्रेस वे का व्यू है वो नॉन सन फेसिंग को ज़्यादा मिलेगा, 295 आस्किंग है। इसी तरह का एक और प्लॉट भी है हमारे पास 280 की आस्किंग में उसकी, स्ट्रीट नंबर 12 का, और ये सन फेसिंग नहीं है तो जो सामने वाला प्लॉट है उससे रिलेटिवली हाइयर है। स्ट्रीट 13 में भी प्लॉट मौजूद है 3 करोड़ की आस्किंग में, सन फेसिंग प्लॉट है, 12 से अगली गली है ये और मार्जिनली हाइट में नीचे है, ठीक है, बट सन फेसिंग प्लॉट है और फ्रंट इसका ओपन है, ठीक है। दैट इज़ वाई द सेलर इज आस्किंग वो 3 करोड़, बिकॉज इसका फ्रंट ओपन है, मतलब आप घर बनाएंगे सामने कोई घर नहीं होगा इस प्लॉट के। फेज 4 की फाइल्स मौजूद हैं जी की 135 की आस्किंग में, के की 122 की आस्किंग में और एफ की 145 की आस्किंग में। 7-8 ईयर्स माइंड में रखें, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और उससे पहले कोई शॉर्ट टर्म कोई सजेशन नहीं है, लॉन्ग टर्म लॉन्गिश सजेशन है वो भी 7-8 साल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। फेज 5 पे आते हैं हम, बहुत एक्सटेंसिवली इसको कवर करते हैं। उसमें सेक्टर एफ में हमारे पास 8 मरले का प्लॉट मौजूद है गली नंबर 80 का, हाइटेड प्लॉट है, 5वां प्लॉट है, 4 छोड़ के पहले 5th प्लॉट आता है ये, 1 करोड़ 38 लाख इसकी आस्किंग है। डेवलपमेंट स्टेटस इसका ये है कि वो भी सिर्फ कटिंग हुई है, प्रॉपर प्लॉटिंग नहीं हुई भी, उसमें दोनों एलिमेंट आ जाते हैं रेजिडेंशियल भी और कमर्शियल भी, रेजिडेंशियल पर्पज़ भी और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ भी, क्योंकि अगर आप इसको परचेज करते हैं और 2-3 साल वेट करते हैं तब तक ये पोजेशन इसकी हैंड ओवर हो चुकी होगी तो आप कह लें 160-180 के बीच में ये प्लॉट चल रहा होगा, 3 ईयर्स की बात करूँ तो, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी अट्रैक्टिव है, प्लस मार्केट स्लो है तो एक अच्छे रेट पे भी मिल रहा है इस वक्त। और अगर बाद में आप जब आपको पोजेशन मिलती है आप घर बनाना चाहते हैं तो हाइटेड प्लॉट है बट सन फेसिंग नहीं है, आपको पहले बता दूँ। 10 मरले का प्लॉट मौजूद है गली नंबर 7 में, लिटिगेशन एरिया है, 185 जो है इसकी डिमांड है। कनाल के ऑप्शन की बात करें तो स्ट्रीट 10 में प्लॉट मौजूद है, सबसे हाइटेड गली है, DHA फेज 5 सेक्टर डी की, 2 करोड़ 17 लाख इसकी जो है वो आस्किंग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट सेक्टर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, DHA फेज 5 का सेक्टर F1। अगेन सेक्टर F1 को भी रेगुलरली कवर करते रहते हैं और इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू से कि दिस इज़ द मोस्ट प्राइम सेक्टर ऑफ DHA इस्लामाबाद, क्योंकि DHA एक्सप्रेस वे का पहला सेक्टर है, लिटिगेशन एरिया भी है, लेवल्ड एरिया भी है और जहाँ पे कटिंग हुई भी है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच के आपने लेना है। लेकिन अगर आप 3-4 ईयर्स वेट कर सकते हैं तो आप मतलब कि मैं 3-4 साल बाद घर बनाऊँ तो उसके लिए भी आइडियल हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रीट 4 का और स्ट्रीट 13 के प्लॉट मौजूद हैं जिनमें जिनकी प्राइस है 2 करोड़ 25 लाख, दोनों में 15 लाख का बैलेंस है, डेवलपमेंट चार्जेस हैं। दोनों प्लॉट जो हैं वो इस वक्त लिटिगेशन के एरिया में है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रीट 1 का के भी प्लॉट मौजूद हैं 2.5 करोड़ की आस्किंग में, स्ट्रीट 1 में इस वक्त टील है, बट द रीज़न बीइंग के आप स्ट्रीट 1 का प्लॉट इतना सॉट आफ्टर क्यों है, इसकी वजह ये है कि जब वो टीला क्लियर होगा तो एक्सप्रेस वे पर आप जैसे ही एंटर होंगे तो आपको स्ट्रीट 1 के घर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इट हैज़ ब्यूटिफुल एक्सेस, स्विफ्ट एक्सेस फ्रॉम इस्लामाबाद हाईवे थ्रू DHA एक्सप्रेस वे, बहुत अच्छी इसकी लोकेशन है। सेक्टर के और जे की बात करें तो उसकी भी इन्वेंट्री अवेलेबल है हमारे पास, आई डिड अ वीडियो जो येस्टरडे हमने अपलोड की, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं जिसमें सेक्टर के और जे की इन्वेंट्री हमने आपके साथ शेयर की। क्विकली आपको बता देता हूँ कि हमारे पास गली नंबर 4 में, गली नंबर 15 में और फर्स्ट एवेन्यू पे, रोड 1 पे और गली नंबर 11 में प्लॉट मौजूद हैं DHA फेज 5 ओवरसी सेक्टर के,
बेस्ट सेक्टर बाय DHA इन DHA इस्लामाबाद, कोई भी फेज आप देख लें, गली नंबर 15 में जो हमारा प्लॉट मौजूद है वो पेयर के भी ऑप्शन मौजूद हैं। प्राइस ब्रैकेट आप कह लें 290 से लेके 320 की आप कर लें कि इस वक्त ऑल ड्यूज की इसकी ब्रैकेट है। जो एक प्लॉट हमारे पास स्ट्रीट फोर का है उसमें 1.5 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट है। सेक्टर जे में हमारे पास जो प्लॉट मौजूद हैं, ब्रीफली आपको बता दूं, जैसे के का बताया कि सेक्टर जे में जो स्ट्रीट टू में अगली साइड जो है उस पर एक प्लॉट मौजूद है, 75 उसकी प्रॉफिट की आस्किंग है और ओनर जो है उसके आगे पीछे ही देना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे पास फर्स्ट एवेन्यू पे प्लॉट मौजूद हैं 100 लाख यानी कि 1 करोड़ प्रॉफिट की आस्किंग पे। स्ट्रीट वन का भी एक प्लॉट मौजूद है, दोनों की 1 करोड़ प्रॉफिट की आस्किंग है। फॉर डिटेल्स अबाउट द प्राइसिंग, प्राइस ऑफ के एंड जे जो कि इंस्टॉलमेंट है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो जो वी अपलोडेड यस्टरडे। DHA फेज 5 का सेक्टर ई यानी कि MR का ब्लॉक मेरिडियन 2 जो अभी रिसेंटली फ्रेश डेवलपमेंट है बाय MR, उसका प्लॉट मौजूद है स्ट्रीट 15 का, साउथ फेस है प्लस हाइटेड है, 1.60 करोड़ की आस्किंग है उसकी। MR की डेवलपमेंट टॉप नॉच है, सिक्योरिटी टॉप नॉच है, द वे दे ऑपरेट एंड मेंटेन देयर ब्लॉक जो कि मेंटेनेंस और इसके ऑपरेशन से MR के पास ही है, बाकी सारा जो ट्रांसफर एंड एवरीथिंग वो DHA के पास है। तो बहुत ज़बरदस्त है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट की मैं आपको ऐसा सजेशन नहीं कर रहा, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। फेज 6 सेक्टर B3 जो अभी आप सेक्टर A क्रॉस करते हैं, फेज 5 से एक्सप्रेस वे पर जाते हैं, ब्रिज क्रॉस करते हैं, सेक्टर A में आते हैं, एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाती है, देन 4-5 किलोमीटर्स का पैच है जो आप क्रॉस करके B3 की फ्रेश डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। स्ट्रीट नंबर 8 का प्लॉट है, 1.70 करोड़ उसकी आस्किंग है। इन्वेस्टमेंट प्राइमरी रीज़न होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं इसको, एंड यू हैव टू वेट फॉर 4-5 ईयर्स, ठीक है, इससे पहले हो सकता है, इससे कम इससे पहले होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा टाइम, ठीक है। सो ये हमारे पास प्लॉट मौजूद हैं इन DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद फेज 1-6। फर्दर आपकी कोई क्वेरी है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर आपको पसंद है जिसमें आप प्लॉट चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी, आपको नंबर जो है वो थ्रू आउट स्क्रीन पर शो हो रहा था। सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, थैंक यू वेरी मच।